तो आज हम बात करेंगे कि हमें सुखी बनना है, हर कोई चाहता है, लेकिन कैसे सुख को प्राप्त करें। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, नास्ति बुद्धिर आयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भवयतः शांतिर अशांतस्य उतो सुखम। भगवान यहाँ पे 5 पॉइंट फॉर्मूला देते हैं, हाउ टू बी हैप्पी, हम सुखी जीवन कैसे प्राप्त करें, ये 5 स्टेप में भगवान समझाते हैं। भगवान बोलते हैं अशांतस्य कुतो सुखम। देखिए, सुख प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको सुख चाहिए। सुख प्राप्त करना है तो आपके जीवन में शांति होनी चाहिए। अशांति होगा तो कैसे होगा? मान लीजिए आपने अपनी माँ से या पत्नी से कहा कुछ अच्छा व्यंजन बनाने के लिए, आपका फेवरेट डिश बनाने के लिए, आप भूखे भी हैं और फेवरेट डिश आपके सामने आया और जैसे ही आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं, आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपके प्रिय मित्र, आपका एक प्रिय मित्र है जिसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। तो क्या हो गया? मन तुरंत अशांत हो गया। खाना तो आप खाएंगे एज ए ड्यूटी, लेकिन क्या उसको रिलिश कर पाएंगे? क्या उसका स्वाद अच्छे से ले पाएंगे? नहीं, क्योंकि जब मन शांत नहीं है तो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। मन शांत कैसे हो? भगवान कहते हैं मन को शांत करना है तो मन को स्थिर करना पड़ेगा। स्थिरता से शांति आती है। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ शांति से? क्योंकि ये जो फर्श है, ये जो फ्लोर है, ये स्थिर है, ये भूमि स्थिर है। अगर यहाँ पे भूकंप थोड़ा कंपन होना चालू हो जाएगा तो क्या मैं स्थिर बैठ पाऊंगा? नहीं। और क्योंकि मैं स्थिर नहीं बैठ पाऊंगा तो क्या शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अगर सुख प्राप्त करना है तो मन को शांत करना पड़ेगा। मन को शांत करने के लिए मन को स्थिर करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। आपने कभी सोचा, स्टूडेंट स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, पूरी 8-8 घंटे क्लास लेता है, फिर भी कोचिंग लेता है, एक कोचिंग लेता है, दो कोचिंग लेता है, हॉर्लिक्स पीता है, बोर्नवीटा पीता है, शंख पुष्प पीता है, बादाम खाता है, लेकिन फिर भी नहीं जाता। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ध्यान दें, क्या होता है जब टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट का मन प्रायः अशांत होता है, इधर उधर भटकता है, स्थिर नहीं होता। इसलिए टीचर बोलती है, डोंट जस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास, बी आल्सो मेंटली प्रेजेंट। आपका शरीर तो क्लास में है लेकिन आपका मन नहीं है, क्योंकि मन स्थिर ना होने की वजह से मन इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है। टीचर पढ़ा रहा है वो आपके अंदर जाता नहीं, और वही चीज आपको कोचिंग में पढ़नी पड़ती है, और जब कोचिंग में जाके पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, तो वही मन का। इसलिए इतना पढ़ने के बाद भी माँ भी देख रही है, पिता भी देख रहे हैं, अरे बच्चा तो हमारा इतना पढ़ रहा है, बच्चा भी पढ़ रहा है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो जा ही नहीं रहा है अंदर, मन अस्थिर है। कैसे होता है मन अस्थिर? मन हमारा जाता है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टीवी में, इंटरनेट में, मूवीज में, इस दोस्त के पास, उस दोस्त के पास, जैसे घूमते रहता है, मन अस्थिर होता है। इसके लिए मंत्र मेडिटेशन बहुत जरूरी है। हम बताएंगे मंत्र मेडिटेशन क्या है। तो मन को स्थिर कैसे करें, भगवान बोलते हैं यहाँ पे दिव्य ज्ञान से। तो भगवान बताते हैं कि मन को स्थिर कैसे करें।